हम पटना के गांधी घाट में हैं, तो इस गांधी घाट पर पूरी व्यवस्था, और आज नहाए खाए के साथ जो है छठ व्रत की कहें कायदे से तो शुरुआत हो जाती है, और फिर कल खरना, और फिर उसके बाद जो पहला अर्घ और फिर दूसरा अर्घ यानी सुबह का अर्घ। देखिए छठ व्रती हैं कुछ जो कि नहाए खाए के लिए गंगा तट पर आए हैं। आप छठ कर रही हैं? जी छठ कर रही हूं। तो क्या आज नहाए खाए हैं? हाँ नहाए खाए। क्या क्या होता है इसमें? इसमें होता है कि आज नहा खा के कद्दू हाथ का दाल उल बनता है, खाया था प्रसाद, पहला प्रसाद। अच्छा, तो गंगा स्नान का महत्व है आज? हाँ गंगा नहाने का जी। तो क्या यहाँ व्यवस्था कैसी है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। अच्छा, तो अब आप ये गंगा जल लेके जा रहे हैं तो घर में खाना बनेगा? हाँ जी, कद्दू भात। जी जी, और फिर कल का क्या प्रोग्राम रहेगा? कल खरना रहेगा। हाँ, कल भी नहाने आएंगे गंगा जी, कल भी और फिर जाएंगे तो रात में खरना होगा। तो सुखाना है, सुखाने के बाद उसको मिल में पिसाना है, उसके बाद प्रसादी बनेगा। अच्छा, तो अर्घ तो परसों ही पड़ेगा? जी, 2 तारीख को अर्घ पड़ेगा। सूख जाएगा और पिसान हो जाएगा? जी। अच्छा, छत पर सूखने के लिए देंगे। अच्छा, कितने सालों से आप छठ कर रही हैं? पहली बार। पहली बार कर जी। छठ व्रत के बारे में कहा जाता है कि जो व्रती होते हैं तो व्रतियों की जो आस्था होती है इस पूजा में, उसके साथ साथ उनकी जो सहायी लोग होते हैं यानी कि जो सहायता करते हैं उनके इस व्रत को संपन्न कराने में, उसकी भी महिमा है। और लेकिन ये हम एक दिखाना चाहेंगे पूरा गंगा घाट जो पटना का गांधी घाट है, ये इंतजाम जो देखें, गंगा में पानी आया तो पानी के कारण जल स्तर थोड़ा सा घाटों से ऊपर है, एक तरह से कहें कि आम तौर पे आम दिनों में होता है, तो इसलिए सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत किए हैं। और जैसे देखें यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ हर जगह एक नोटिफाइड एरिया भी है कि खतरा है, इससे आगे न जाएं। तो इस तरीके से ये जोन है जो कि खतरनाक जोन है गंगा का, और फिर तो यहाँ से आगे नहीं जाए, तो जो भी स्नान करेंगे छठ व्रती या अर्घ देंगे तो फिर यहीं से देंगे। अगर बात करें तो पर्यावरण को, जलवायु को जीने, उसके साथ रहने, उसे बचाने और संरक्षण देने का भी पर्व है ये लोक आस्था का महापर्व छठ। तो नहाए खाए के बाद खरना और फिर छठ के अर्घ की बारी आएगी, और फिर ये गंगा घाट जो है पूरा का पूरा गुलजार हो जाएगा छठ मैया के गीतों के साथ, व्रतियों के अर्घ के साथ और व्रतियों की उस पूरी आस्था के साथ। कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ पटना के गंगा घाट से स्वराज एक्सप्रेस के लिए नवेंदु।